मैं अनंत महोदधि जग कल्पना निस्सार है, अब शांत में स्थित अवस्था मुझ में न कोई विकार है। आसक्ति विषयों के प्रति मन देह की मेरी नहीं, आत्मज्ञ हूँ निस्पृह मुक्त हूँ, विषयों की चेरी नहीं। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 18वीं कड़ी में 8वां प्रकरण है आज, जिसका नाम है मोक्ष मुक्ति। तो अब तक के प्रकरणों में अष्टावक्र जी ने अपने शिष्य को ज्ञानामृत चखाया, फिर उनकी परीक्षा भी ली, और अब वो अपने शिष्य की इस प्रकरण के 4 श्लोकों के माध्यम से प्रशंसा कर रहे हैं, श्लाघा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ संशय हैं जिन्हें वो मिटा देना चाहते हैं, समाधान कर देना चाहते हैं जिनका। तो जब जनक जी स्वयं को बंधन मुक्त बताते हैं, अष्टावक्र जी कहते हैं कि पहले यह ज्ञात हो जाए कि बंधन क्या है, तभी उससे मुक्त होने की बात की जा सकती है। तो संसार के बंधन क्या है? संसार में साधारण रूप से स्त्री पुत्र पौत्र इत्यादि को बंधन का कारण माना जाता है, इसीलिए इनका परित्याग कर साधक यह सोच लेता है कि उसने बंधनों को तोड़ दिया, वह बंधनों से मुक्त हो गया। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है, ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति जड़ भरत की तरह किसी अन्य में आसक्त हो जाता है, विषय बदलते हैं बस, स्थिति ज्यों की त्यों रहती है, इसलिए उसमें और संसारी में कोई अंतर नहीं रहता। अच्छा, यहाँ एक शब्द आया है जड़ भरत, तो आपको जड़ भरत का जरा संदर्भ बता दूँ। कुछ इस प्रकार है कि जड़ भरत एक राजर्षि थे, ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र, बड़े भक्त थे, तपस्वी थे, शुद्ध अंतःकरण वाले, स्वयं को बंधन मुक्त मानते थे, जैसा कि जनक जी कह रहे हैं। सब संपत्ति अपने पुत्रों को छोड़ वन में निवास करते थे। लेकिन फिर एक मृग शावक के मोह ने उन्हें ऐसा बांधा कि बस वो उसके सिवा कुछ और देख सोच ही नहीं पाते थे, और इसी कारण उन्हें फिर अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। तो ये तो थे जड़ भरत, यानी एक पशु मोह में वो जड़ होकर रह गए, जो अपने आप को बंधन मुक्त माना करते थे। तो व्यक्ति चाहते हुए भी चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाता, एक बंधन छूटता है तो दूसरा जकड़ लेता है। तो इस प्रकरण में महर्षि ने मुक्ति और बंधन की परिभाषा दी है। उनकी दृष्टि में वासना ही बंधन है, इच्छा वही बंधन का कारण है, और जिसके अंदर वो वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, चाहना नहीं है, वही मुक्त है। तो विषयों के बीच रमण करता हुआ भी वो भोक्ता कभी नहीं होता। तो जब करता ही नहीं होता तो फिर वो भोक्ता कैसे होगा? और महर्षि ने वासना रहित के लक्षण भी इस प्रकरण में बताए हैं, जो हम आज 4 श्लोकों के माध्यम से जानेंगे। ब्रह्म तत्व की बात करना, उस पर विचार करना, उसका उपदेश देना एक बात है, और उसका जीवन में उतर जाना दूसरी बात है। ऐसे ही तुलसीदास जी के शब्दों में, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे, और भी ब्रह्म ज्ञान ने नार नर करही न दूसरी बात, लागी कौड़ी दाम हित करही विप्र गुरु घात। ऐसा तभी होता है जब ब्रह्म ज्ञान का संस्पर्श किसी भी धरातल पर नहीं होता और वासना बनी रहती है। तो कहते हैं वे अपने शिष्य से कि मुमुक्षु यदि इन
चार बातों पर ध्यान पूर्वक विचार करे तो मुक्ति और बंधन के रहस्य की जानकारी सहज रूप से हो जाएगी और सब भ्रम नष्ट हो जाएगा। तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति शोचति किंचिन मुंचति गृहणाति किंचित दृश्यति कुप्यति। कुछ त्यागता कुछ ग्रहण करता मन दुखित हर्षित कभी यही भाव मन के विकार बंधन युक्त हैं बंधित सभी। कहते अष्टावक्र जी तब बंधन जानो जब चित्त कुछ चाहता हो शोक करता हो जब वो कुछ छोड़ता हो कुछ पकड़ता हो कुछ पाने पर प्रसन्न होता हो और कुछ न मिलने पर क्रोधित होता हो। रोग के लक्षण जब तक पता न चले तब तक कैसे यह जानकारी हो सकती है कि स्वास्थ्य क्या है। रोग के कारणों का न होना ही तो स्वास्थ्य है। ठीक उसी तरह बंधन के लक्षण ना हो तो वही मुक्ति है। मुक्ति में कुछ होता नहीं वो तो केवल एक स्थिति है। मुक्त होने के प्रयास मुक्त ना होने का भय ये सब भी बंधन है। कहते हैं कि जब कोई कुछ चाहता है वो फिर उसे पाने के साधनों के बारे में विचार करता है कुछ को छोड़ता है कुछ को ग्रहण करता है। अब जिसे ग्रहण करना चाहता है उसके प्राप्त होने पर उसे हर्ष होता है और जब ना प्राप्त हो तो फिर क्रोध होता है। ये समूची प्रक्रिया ही बंधन है। अब श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी एक ऐसी ही प्रक्रिया का वर्णन किया है। बड़ी महत्वपूर्ण है यह प्रक्रिया। जीव की समस्त क्रियाओं को नष्ट होने की समूची प्रक्रिया को समेट लिया गया है इसमें। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मतलब विषयों का बार बार ध्यान करने से उसमें संग होता है उनके साथ मनुष्य लिप्त होता है उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करता है संग से कामना होती है कामना को पूर्ण करने के लिए फिर वो प्रयास करता है प्रयास से उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है फिर और की इच्छा अर्थात लोभ। तो जब प्रयास विफल होता है तो विषाद होता है दुख होता है जब प्रयास में बाधा आए तो क्रोध आता है। प्रयास के ये तीन ही परिणाम हैं या तो लोभ होगा या विषाद होगा या फिर क्रोध होगा और ये तीनों ही भ्रमित करने वाले हैं। तीनों से स्मृति मलिन होती है सत असत की जानकारी के संस्कार सब धूमिल हो जाते हैं निश्चय करने में परेशानी होती है विषयों को पाने की क्रिया के विपरीत होने वाली प्रतिक्रिया इतनी सशक्त होती है कि बुद्धि की कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ। तो परिणाम क्या होगा नाश केवल नाश। मन मुख होकर वासनाओं के पीछे भागना यानी मन के सुनकर तो ये मानना कि ये सत्य है यही बंधन है। तब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि पूछते हैं जनक कि आपने कहा है कि जब चित्त में वासनाएं भरी हुई हैं तो इसकी मुक्ति कदापि नहीं होती तो संसार में निर्वासनिक पुरुष तो कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि जितने भी गृहस्थ आश्रमी हैं वो जुड़े हुए हैं अपने स्त्री पुत्र इत्यादि सांसारिक मोह विषयों में। जो साधु महात्मा त्यागी भी हैं उनके अंदर भी तरह तरह की कामनाएं कोई मठ बनाता है कोई दान करता है कोई तप अधिक से अधिक करना चाहता है कोई यज्ञ करना चाहता है। इस तरह से अगर देखें तो कोई भी ज्ञानी सिद्ध नहीं होता और ज्ञानी अगर नहीं है तो इसका मतलब मुक्त भला कौन होता होगा मुक्ति भी किसी की नहीं होती होगी फिर। तो उत्तर इसका कुछ ऐसे दिया है एक कथा है
कि जैसे एक वन में एक सिंह रहता है और बहुत सारे लाखों स्यार मृग आदि जानवर रहते हैं, वैसे ही संसार रूपी गृहस्थाश्रम रूपी अथवा संन्यास आश्रम रूपी वन में वासना से रहित ज्ञानवान कोई एक विरला ही होता है और वासना से भरे हुए अनेकों होते हैं। जैसे शेर के मारे हुए शिकार को स्यार आदि खा लेते हैं, उसी तरह से निर्वासनिक पुरुषों के चिन्हों को धारण करके कुछ लोग, बहुत से ठग, ज्ञान की बातें सुना के वैराग्य आदि दिखला के झूठ मूठ को वंचक सन्यासी आचार्य वगैरह ठगते ही रहते हैं। यही है इस संसार के स्यार। एक और दृष्टांत है कि एक गांव में जुलाहे रहते थे। उन्होंने आपस में एक दिन सलाह की कि चलो रात को क्षत्रियों के गांव को लूट लाए। तब सब जुलाहे मिल के रात्रि को क्षत्रियों के गांव को लूटने चले गए। जब क्षत्रिय लोग हथियार लेकर जुलाहों को मारने दौड़े तो जुलाहे सब भागे। उनमें से एक जुलाहे ने कहा कि भाइयों, भागे तो जाते ही हो, साथ साथ मारो मारो भी कहते चलो। तो वो सब जुलाहे भागते जाते थे और मारो मारो भी कहते जाते थे। तो दृष्टांत में ये बात है कि बहुत से बनावट के ज्ञानी ज्ञान के साधनों से भागे तो जाते हैं पर औरों से ऐसा कहते जाते हैं कि वासना को त्यागो, ज्ञान को धारण करो, सब संसार मिथ्या है। ऐसे दंभी ज्ञानी नहीं हो सकते। जो समग्र वासनाओं से रहित हैं वे ही ज्ञानी हैं। अब यहाँ पे जो भी लक्षण बताए गए हैं इनको अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो है मन, और ये सारी क्रियाएं मन की ही हैं। इस प्रकार सबसे बड़ा बंधन तो मन का होना है, लेकिन क्या मन रहित कोई हो सकता है या मन को भी बांधा जा सकता है, देखते हैं। तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुञ्चति न गृह्णाति न हृष्यति न कोप्यति न हि ग्रहण न हि त्याग दुख से परे मन मोक्ष है एक रस मन की अवस्था सर्वदा निरपेक्ष है। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ न मांगे, किसी की चिंता न करे, ना कुछ पकड़े ना ही कुछ छोड़े, ना प्रसन्न हो और ना ही क्रोधित हो। तो चित्त अर्थात मन पे बंधन की बात आ गई यहाँ। देखिए तो पिछले सूत्र में महर्षि अष्टावक्र ने बंधन की परिभाषा तो दे दी। अब जो प्रक्रिया उन्होंने पिछले सूत्र में बताई उसकी शुरुआत होती है चाहने से, इच्छा करने से। इसलिए चाह ही असली बंधन है। जब चाह नहीं रहती तो आगे की प्रक्रिया अपने आप टूट जाती है। यदि किसी तरह से, किसी साधना से बाकी सभी लक्षणों का परिहार करने का प्रयास किया जाए और लगे कि बात बन गई तो उसे मिथ्याचार ही समझना चाहिए। क्रोध से बचने का और कोई उपाय नहीं है। आप उसे दबा भले ही दें, लोभ से भी आप नहीं बच पाते और न ही काम से। यदि वासना बनी है संसार के विषयों की तो पाप आपसे हो ही जाएगा जाने अनजाने में। तब मुक्ति जानो जब वासना न रहे, जब ज्ञान हो जाएगा कि कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त करने की चाह करनी पड़े, सब प्राप्त ही तो है। और जब सब प्राप्त ही है तो चाह किसकी, और चाह के टूटते ही आगे की समूची श्रृंखला सहज रूप से टूट जाती है, कोई बंधन नहीं रहता। इसीलिए जो यह कहता है कि वह मुक्त होना चाहता है वह भी गलती पर है। मुक्ति चाहना, चाह ही तो बंधन है। ये चाह कभी भी उसे मुक्त नहीं कर सकती। मुक्ति तो वो स्थिति है जो अपने आप आ जाती है। जिस काल में चित्त न भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है और न शोकों के त्याग की इच्छा करता है,
अर्थात किसी वस्तु के पाने पर न उसे हर्ष होता है और न किसी प्यारे संबंधी के नष्ट या वियोग हो जाने पर कोई शोक। जो एक रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है, समरसता, उसी काल में वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम का स्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु। मन लिप्त होता जब कहीं तो बंध बंधन हेतु है, निर्लिप्त होता जब वही मन मोक्ष का मन सेतु है। तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए, और मुक्ति, मुक्ति का अर्थ है जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त न हो। विषयों में आसक्ति का दूसरा नाम बंधन है और मुक्ति इससे बिल्कुल विपरीत। अब प्रश्न ये उठता है कि बिना चाह के जीव जीवित कैसे रह सकता है? वासना का, इच्छा का पूर्णतया क्षय हो जाए, क्या ये संभव है? महर्षि अष्टावक्र ने अपनी बात का प्रतिपादन दूसरी तरह से किया है। वे कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम इच्छा के बिना नहीं रह सकते तो ठीक है, किसी भी विषय में आसक्त मत हो। जैसे ही तुम किसी विषय में आसक्त होते हो, बंध जाते हो उसमें। इस प्रकार आसक्ति ही बंधन है। इसी आसक्ति को आदि शंकराचार्य ने अनुराग कहा है। वे कहते हैं विषयों में अनुराग ही बंधन है और उनसे विरक्ति ही मोक्ष। बद्धो ही को यो विषयानुरागी का वा विमुक्तिर विषये विरक्ति ही। अर्थात जो विषयों में राग रखता है वही बंधा है, और विमुक्ति है विषयों में किसी भी तरह से राग का न होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और यही मुक्ति का भी। मन इंद्रियों का राजा है, इंद्रियों द्वारा ही जीव विषयों में बंधता है। इसीलिए फिर एक बार, मन ही है दोषी, मन ही है सब बंधनों का कारण। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठा, कहते हैं कि जिस काल में चित्त विषयों में आसक्त होता है उस काल में वो बंधा होता है, और जब वो अनासक्त होता है तब वो मुक्त होता है। इसका मतलब ये जो मोक्ष की स्थिति है ये एक लगातार, एक कंटिन्यूस, एक नित्य स्थिति नहीं है, ये अनित्य है, टूटती है बीच बीच में, कभी बंधन कभी मोक्ष। तो क्या ये संभव है? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार दिया गया है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के पूर्व जितने काल तक पुरुष का चित्त विचार से शून्य होकर विषयों में आसक्त रहता है उतने काल तक तो वो बंधन में पड़ा रहता है, लेकिन जब विचार करके युक्त हुआ, सब दोष दृष्टि सब विचार करके विषयों में आसक्ति से वो रहित हो जाता है, तब फिर विषय वासना का बीज भी नहीं रहता, वो बीज भी चित्त में नहीं रहता, नष्ट हो जाता है। उसके बाद फिर वो मुक्त हो जाता है और कदापि फिर बंधन को प्राप्त नहीं होता। जैसे भुने हुए बीज में फिर अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती, वैसे ही निर्वासनिक चित्त वाला पुरुष जिसने अपने मन को बांध लिया वो कभी भी फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। यदा नाहम तदा मोक्षो, यदाहम बंधनम तदा मत्वेति हेलया किंचिन्मा गृहाण विमुञ्चमा। मैं भाव ही बंधन महत, मैं का हनन ही मोक्ष है, त्याग और ग्रहण से हो परे मन तब मनन निरपेक्ष है। जब तुच्छ पदार्थों से संपृक्त अहंकार नहीं रहता, संपृक्त अर्थात संबद्ध, जुड़ा हुआ, तो छोटी छोटी चीज़ों से कोई अहंकार जब हम जोड़ते नहीं तब मान लो मुक्ति हो गई। और बंधन तब होता है जब तुच्छ अहंकार मन में विकास करे, ऐसा मानकर अपनी इच्छा से न कुछ ग्रहण करो
और न ही कुछ छोड़ो। तो मैं शब्द यहाँ पर आया है देहाभिमान के लिए, और इस अभिमान की वजह से ही ग्रहण करने और त्यागने छोड़ने की सार्थकता है। देह का अर्थ है शरीर, और शरीर में स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर आ जाते हैं। कमियों का, त्रुटियों का, अभाव आदि का अनुभव करना इन्हीं शरीरों का गुण है। इन अभावों की पूर्ति के लिए संसार के विषयों को ग्रहण किया जाता है। भूख लगती है तो खाना खाता है। जो विषय अभावों को पूरा नहीं करते वे निरर्थक की श्रेणी में आ जाते हैं। निरर्थक भी फिर कभी किसी और के लिए सार्थक हो सकता है। ऐसे निरर्थक विषयों की जीव उपेक्षा करने लगता है, छोड़ देता है उनको, जिनका उपभोग कर लिया है और अब वे अपनी सार्थकता को छोड़ चुके हैं, उन वस्तुओं का भी जीव त्याग कर देता है। इस प्रकार त्याग को तीन दृष्टिकोणों से देखा जाता है। पहला, भोगने की क्षमता नहीं इसलिए त्याग दिया, अंगूर खट्टे हैं। दूसरा, भोगा बदलने को मन हुआ इसलिए त्याग दिया। और तीसरे में सार्थकता ही समाप्त हो गई इसलिए छूट गया। तो एक त्याग का अभिमान होता है, इसमें कुछ भी किसी तरह से छूटता नहीं, छीन लिया जाता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये सारे छोड़ने पकड़ने के कार्य तब तक ही संभव हैं जब तक देहाभिमान बना हुआ है। मुक्ति और बंधन की बात भी इसी मायने में देहाभिमान बने रहने तक ही है। जहाँ देहाभिमान छूटा, इस शरीर का अभिमान छूटा, ये ज्ञात हुआ कि मैं तो देह हूँ ही नहीं, बंधन मोक्ष के प्रश्न और इसके इर्द गिर्द घूमती समस्त वार्ता भी सब मानो झड़ सी जाती है अपने आप। तो यहाँ इस सूत्र से अष्टावक्र जी इस बात का भी संकेत करते हैं कि यह देह बुद्धि ज्ञान साधन द्वारा ही नष्ट होने वाली है, ऐसा मानने स्वीकारने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। अन्य साधनों द्वारा सिर्फ इस बात का पता चलता है कि मैं वह नहीं हूँ जो मैं स्वयं को मानता हूँ। जब तक पुरुष अहंकार में बैठा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्यागी हूँ, तब तक वह मुक्त कदापि हो ही नहीं सकता। ऐसा भी कहा है कि यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना तावन् लेश मात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा। अर्थात जब तक इस जीव का संबंध दुरात्मा अहंकारी के साथ बना रहता है, तब तक मुक्ति लेश मात्र भी इसको प्राप्त नहीं होती। और जिस काल में ये अहंकार अध्यास मिट जाता है, उससे वो दूर हो जाता है, उसी काल में बिना ही परिश्रम अकर्ता अभोक्ता होकर वो मुक्त हो जाता है। तो बंधन और मोक्ष की परिभाषा के साथ साथ बंधन और मोक्ष से जुड़े सब संशय अपने शिष्य के मिटा दिए हैं उनके गुरुदेव ने, अष्टावक्र जी ने। और इसके साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं ये आठवां प्रकरण मोक्ष। शीघ्र लौटूंगी अगले प्रकरण के साथ, मिटाएंगे कुछ और संशय। प्रतीक्षा कीजिएगा। हरिओम तत्सत्।